सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आर्टिस्तान में, और मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और नई वीडियो लेकर। तो आप सभी ने अगर मेरी पुरानी वीडियो देख ली है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरी पुरानी वीडियो फटाफट से जाकर ज़रूर देखें। तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द वीडियो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अगर आर्ट लवर हैं, पेंटिंग पसंद करते हैं, स्केचिंग पसंद करते हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो हम आज की वीडियो में जो करने वाले हैं उसका टॉपिक आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हैं, टाइटल में देख चुके हैं। स्टिल लेट मी टेल यू, हम करने वाले हैं ग्रिड मेथड के ऊपर बात। मैं आप सभी को बताने वाली हूँ ग्रिड मेथड के बारे में, कौन सी ऐप यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, और उसके बारे में डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। सो लेट मी स्टार्ट विद व्हाट इज़ ग्रिड मेथड। वो यहाँ आपको स्क्रीन पे एक मैं पिक्चर डाल देती हूँ, आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड ग्रिड मेथड में जो पिक्चर होती है हमारी, जो रेफरेंस पिक्चर होती है, उसे हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट लाइक स्क्वायर्स में हम उसे डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम जब कोई भी स्केच ड्रॉ करें या फिर कोई भी ड्राइंग बनाएं तो हमें जो मेजरमेंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी समझ आए, मतलब हम लोग एक्यूरेट स्केच ड्रॉ कर पाएँ। अगर आप ऐसे ही रैंडमली मेजरमेंट लेंगे तो हो सकता है आपका स्केच ऊपर नीचे कहीं हो जाए, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बेस्ट है आप ग्रिड मेथड यूज़ कीजिए। एंड आप अपनी रेफरेंस पिक्चर को पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद जो आपकी शीट है उसको, उसके ऊपर आप ग्रिड ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप उसके ऊपर ग्रिड जैसे आपकी पिक्चर में है वैसी की वैसी ग्रिड ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी इसको ग्रिड मेथड को अप्लाई करने में अपने स्केच के अंदर। देन द सेकेंड थिंग इज़ कि ये कैसे हेल्प करता है। तो जैसे मैं हूँ, अगर आपने मेरी रेफरेंस पिक्चर ली, अगर आपने मुझे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो आपको पता चलेगा कि कौन से बॉक्स में मेरी नोज़ आ रही है, नोज़ का कितना पार्ट आ रहा है, कौन से बॉक्स में मेरी आईज़ आ रही हैं। एंड जितने बॉक्स रेफरेंस पिक्चर में है उतने बॉक्स आप पेपर के ऊपर एग्जैक्टली ड्रॉ कर लेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर के ऊपर जो बॉक्स की मेजरमेंट है वो अलग होगी, रेफरेंस पिक्चर के ऊपर अलग है। उस काउंट कर लीजिए रेफरेंस के ऊपर ऐसे में कितने स्क्वायर्स हैं, ऐसे में कितने स्क्वायर्स हैं। अगर ऐसे में आपके रेफरेंस के ऊपर गेस लाइक C5 है, जैसे अगर आपके पास 5 होते हैं तो आपको यहाँ पे भी 5 ड्रॉ करने हैं 8x8 के आपके आ जाएंगे, क्योंकि आपने मेजरमेंट लिया है। अगर आपने मेजरमेंट नहीं लिया होता तो आपकी गड़बड़ होती, बट अगर आपने मेजरमेंट लिया है तो आपके 5 बॉक्स ईजिली आ जाएंगे। तो कौन सी ऐप बेस्ट है ग्रिड के लिए, मैं आपको बता दूँ, ये है उस ऐप का लोगो, एंड इस ऐप का नाम है ड्रॉ ईजी। मैं आपको इस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप इस ऐप से जाके अपने ग्रिड्स बना सकते हैं, कितने भी छोटे ग्रिड्स आप बना सकते हैं, कितने भी बड़े ग्रिड्स बना सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। बहुत अच्छी ऐप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं ग्रिड बनाने के लिए। ईजी और टफ, ग्रिड टफ है या ईजी है? तो मेरी ओपिनियन के हिसाब से, मैंने ग्रिड भी ट्राई किया है, मैंने रैंडम मेजरमेंट्स भी ट्राई किए हैं, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ग्रिड मेथड ईजी है, सबसे ईजी है। अगर आप ग्रिड मेथड यूज़ करते हैं इन दी बिगिनिंग, आपकी मेजरमेंट्स बहुत अच्छी होंगी तो आपके पास एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी ग्रिड मेथड से। एक्यूरेसी में बहुत हेल्प करता है ग्रिड मेथड। अगर आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ग्रिड मेथड की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं रैंडम मेजरमेंट्स लेके भी। मैं आपको अब ग्रिड ड्रॉ करके भी बता देती हूँ एक बार। मैंने आपको सब कुछ ऐसे थियोरेटिकली बता दिया है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। आपको वीडियो पसंद आए एंड में तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड, ग्रिड मेथड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जितने भी हो सकता है उतने आंसर्स देने का कोशिश करूँगी। हो सकता है उसके ऊपर वीडियो भी ले आऊँ अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट टाइम पर मिलती रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ग्रिड प्रैक्टिकल मेथड। तो ये है हमारी शीट जिसके ऊपर हम ग्रिड ड्रॉ करने वाले हैं, एंड हम आपको बताएंगे एक एक करके कि किस तरीके से आप ग्रिड को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट ले लेंगे, हम सबसे पहले इसका विड्थ मेजर करेंगे, देन लेंथ मेजर करेंगे और उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो जो मेजरमेंट आई है, विड्थ आई है, वो है 19.3 सेंटीमीटर्स, और अब हम लेंथ देख लेते हैं लेंथ कितनी है। तो
तो जो लेंथ आई है वो आई है 28.1 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम ब्रेड वाइज बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो 6 बॉक्सेस हैं इन टोटल ब्रेड वाइज, एंड अब हम इसको लेंथ वाइज भी काउंट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सबसे नीचे वाला है ये हाफ साइज है, ये फुल साइज बॉक्स नहीं है, तो हम इसको 0.5 कंसिडर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8.5 हम इसको टोटल काउंट करेंगे। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो मेरी लेंथ ब्रेथ है उसको मैं डिवाइड करूँगी विद 6, जो कि हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं लेंथ ब्रेथ वाइज। तो जो हमारे पास आंसर आया है वो आया 3.21, और जो हमारी लेंथ है जो कि 28.1, उसको मैं डिवाइड करूँगी 8.5 से, जो कि हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं लेंथ वाइज। तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 3.3 समवॉट। तो 3.2 जो है वो छोटा है 3.3 से, तो हम छोटा नंबर यहाँ पर लेंगे, बड़ा नंबर नहीं लेंगे कभी भी। छोटा नंबर हमारा स्क्वायर का साइड होगा, तो हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर इज 3.2। और अब हम 3.2 का मेजरमेंट लेके स्क्वायर के लिए मार्क कर देंगे शीट के ऊपर, और आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जितने नंबर ऑफ़ बॉक्सेस थे मोबाइल की फ़ोटो के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ़ बॉक्सेस आएंगे आपकी शीट के ऊपर अगर आप सेम वे में कैलकुलेशन करते हैं। तो सो एज यू कैन सी कि जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस थे 6, वही यहाँ पे मार्क हुए हैं, एंड बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं है। तो दिस इज़ वेरी ईजी इफ आप सही तरीके से करते हैं, तो ईजिली आप ग्रिड मेथड ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है, और अब मैं अलग अलग पॉइंट पे सेम तरीके से मार्क कर रही हूँ। पहले मैं ब्रेथ वाइज मार्क कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लेंथ वाइज मार्क करूँगी। अब मैं लेंथ वाइज मार्क कर रही हूँ और लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ, एंड देखते हैं लेंथ वाइज भी उतना आता है। ऑब्वियसली उतना ही आएगा, कोई सोचने वाली बात नहीं है, बट जस्ट फॉर यू गाइज यू कैन सी पूरा उतना ही आने वाला है। एंड लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ड्रॉ हुआ है। सो द ग्रिड हैज़ बीन रन, आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ बॉक्सेज आए हैं लेंथ वाइज भी, ब्रेथ वाइज भी, एंड एग्जैक्टली हमारा ग्रिड बना है। सो मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ, जो हमारी लेंथ है और ब्रेथ है ऑब्वियसली सेम है, स्क्वायर है, तो 3.2 ही है, एंड 3.2 के हिसाब से ही मैंने इसको ड्रॉ किया है। सो कंप्लीट करने के बाद आप एंड में एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई टॉपिक पर वीडियो लानी हो तो बता दीजिए, मैं ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगी एंड आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। सो बाय टिल माई नेक्स्ट वीडियो।